दोस्तों शाम के तकरीबन 7-8 बज रहे हैं और मैं घूमने के लिए निकला था, जॉगिंग के लिए निकला था, तो मुझे नज़र पड़ी एक बिल्डिंग पे। वो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिक्री के लिए है, ये फॉर सेल लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये बिल्डिंग है, ये बिक्री के लिए है, ठीक है। और ऐसे कई सारे बिल्डिंग्स आइलैंड में बिक्री के लिए आपको मिल जाएंगे, बिकने के लिए। इसका दाम तकरीबन 2-3 करोड़ के आसपास होता है, जो कि आयरलैंड में के हिसाब से कम है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज तनख्वाह लगभग 1 करोड़ के आसपास होती है सालाना। तो इस बिल्डिंग को ख़रीदा जा सकता है, लेकिन अब ये बात है कि अगर मैं ख़रीदना भी चाहूँ तो कल मैं कहाँ रहूँगा, क्या मैं इस बिल्डिंग के पास फिर रह पाऊँगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अभी तक मैं कई सारे देश बदल चुका हूँ, कई सारे शहरों को बदल चुका हूँ, तो कल मैं यहाँ पर रहूँगा क्या। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे अवेलेबल, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है वो, बहुत ही सुंदर बंगला जैसा है, और ऐसे कई सुंदर सुंदर बंगले सी साइड में, समुद्र के सामने, बहुत अच्छा बैठने के लिए, बहुत अच्छा अच्छा बंगला यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लगभग 30 लाख रुपये के आसपास सरकार जो है मतलब आपके घर खरीदने, फर्स्ट घर जब आप खरीदते हैं तो उसमें लगभग 30 लाख रुपये आपको सरकार माइनस कर देती है, बोनस देती है अपनी तरफ से सरकार। जैसे कि इंडिया में जब मैंने अपना पहला घर खरीदा था, सरकार ने लगभग 2,60,000 के आसपास मुझे दिया था पहला घर खरीदने पे। उसी तरह यहाँ भी सरकार आपके टैक्स में से रिटर्न करती है। यहाँ पे टैक्सेस लगभग 25 से 50% तक आपको देने पड़ते हैं, तो उसमें से ही कुछ पैसे सरकार आपको 30-40 लाख रुपये के आसपास पहला घर खरीदने पे वापस करती है। और यहाँ पे घर का रेंट भी काफ़ी महंगा है, घर के रेंट में आपको 2.5 लाख रुपये महीने से 4 लाख रुपये महीने तक देना पड़ता है। हाउसिंग क्राइसिस, और अगर आप चेक करेंगे आयरलैंड चेक करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, यहाँ पे घर काफ़ी महंगा मिलना मुश्किल है। तो लोग इसलिए घर का रेंट देने के बदले ईएमआई पे घर लेना पसंद करते हैं, और सरकार मदद भी चुकी कर रही है, तो इसलिए भी एक बेनिफिशियल सौदा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें टच किया है घर से रिलेटेड, जो आपको आयरलैंड में फेस करने पड़ते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।